जो भी मोबाइल फोन फरोख करने आता है, इस हवाले से दुकानदारों का क्या कहना है, पब्लिक का क्या कहना है, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। नई एसओपी जारी की है जिसके मुताबिक जो भी शख्स यहाँ पे मोबाइल फोन फरोख करने आता है उसके पास कराची का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, क्या कहेंगे? कराची का उसके पास शनाख्ती कार्ड लाजमी है जिसमें कराची का एड्रेस हो, और अगर डब्बा जैसे कि नया पीस है, जैसे कि डब्बा खुला हुआ है, ओपन है, तो हम लोग NIC की कॉपी उससे लेते हैं लाजमी, और कराची का एड्रेस होना चाहिए। और यूज़ में ये है कि जिसका बॉक्स नहीं होता तो उससे तो हम पहले से ही NIC की कॉपी लेते ही है, लेकिन अब ये हो गया है कि सख्ती के साथ हमारे को बोल दिया गया है कि कराची का एड्रेस होना चाहिए। अगर कराची का एड्रेस नहीं होगा तो फिर हम वो मोबाइल परचेज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर कराची का अगर एड्रेस है तो पहले हम मैंने अपनी यूनियन से CPLC वेरीफाई करवाए गए, IMEI नंबर हम लोग NIC के ऊपर पूरी तरीके से लिखते हैं, इसके बाद फिर CPLC लेते हैं, CPLC में फिर हम लोग ऑपरेटर जो नंबर होता है वो लेते हैं, वो मेंशन करते हैं उसके ऊपर, इसके बाद वो मोबाइल हम काउंटर में रख के बेच सकते हैं। यहाँ पे इतने होशियार लोग हैं जो कि IMEI नंबर जो है वो चेंज कर देते हैं। दूसरा, ऑनलाइन भी जो है वो फ़ोन की खरीदो फरोख जारी होती है, उसमें लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। लोग यकीनन जो आपके पास आते होंगे वो ये कहते होंगे कि जी ये फ़ोन तो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। देखिए, हमारे यहाँ पे है ना यूनियन बनी हुई है, यूनियन उसका साथ जब देगी जब दुकानदार राइट हो। अगर दुकानदार कोई भी किस्म से रॉन्ग होगा, अगर उसमें लगेगा कि भाई इसने फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी नहीं की है या वो कोई काम कर रहा है वो गैरकानूनी है, तो यूनियन उसका साथ कभी भी नहीं देगी। फिर आप पुलिस वाला है कोई भी है उसको डायरेक्ट उठा के ले जा सकता है। उन्होंने आपको पाबंद किया? हमारे को पाबंद है, हमारे को कोई भी मैसेज आते हैं ना वो हमारे रिजवान साहब है मैसेज चलाते हैं, उसको फॉलो करते हैं हम, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग परचेजिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी लॉक हो गया था, बच्चे ने लगा दिया या पासवर्ड भूल गए, लगा दिया था आगे, तो इसकी ये फॉर्मेलिटी सॉफ्टवेयर वाले फ्लैश करके वो पासवर्ड खोल के देते हैं, बट उससे भी NIC कॉपी ली जाती है, NIC की कॉपी उससे भी ली जाएगी। अच्छा, और बाद दफ़ा तो अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब वारंटी में ऑनलाइन वारंटी हो गई है तो सॉफ्टवेयर वारंटी फ्री होती है, तो हर कोई बंदा अगर ऐसा कोई मसला होता है तो कंपनी से जाके खुलवाता है, और अगर लोकल किसी को खुलवाना होता है तो अगर वो सॉफ्टवेयर करते हैं ना दुकानदार तो वो फोटो कॉपी उसकी लाजमी लेते हैं।